अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, ये है एडवर्ब्स। एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं, और इसको अगर आप बाय नेम भी अगर देखेंगे तो इसमें आपको बाय नेम भी ये पता लग रहा है एडवर्ब्स। हमने पहले चैप्टर्स में वर्ब के बारे में पढ़ा था, यानी क्रिया के बारे में। तो वर्ब्स किस तरीके के वर्ड्स से, वर्ब्स आर सच वर्ड्स थ्रू विच हमें ये पता लगता था, किसी वर्ब का होना पता लग रहा था, यानी कि कोई काम हो रहा है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, तो दीज आर सम वर्ब्स जिससे हमें किसी काम का करना या होना पता चल रहा था, तो दे आर नोन एज वर्ब। अब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, यानी उस काम के बारे में अगर हमें और ज्यादा डिटेल पता लगती है, ऐसे वर्ड्स जो हमें उस वर्ब की और डिटेल देते हैं उनको हम यहाँ एडवर्ब्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंस, अशोक वॉक्स स्लोली। तो देखिए यहाँ पे अशोक वॉक स्लोली, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब है, जिससे क्या पता चल रहा है कि वो वॉक कर रहा है। वॉक है वर्ब, अशोक है नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, तो ये पर्सन का नाम हुआ। वॉक्स उसका, वो अशोक क्या कर रहा है, ये क्रिया हुई वॉक, यानी कि वर्ब, और वर्ब के साथ और एडजॉइनिंग कोई चीज और डिटेलिंग बताई गई है कि वो वॉक तो कर रहा है, कैसी वॉक कर रहा है, स्लोली वॉक कर रहा है, तो अशोक वॉक्स स्लोली। सीता रन्स क्विकली, सीता कैसे रन कर रही है, रन हुआ वर्ब और क्विकली हुआ एडवर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन कैसे शाइन कर रहा है, ब्राइटली, सन हुआ यहां नाउन, शाइन यानी चमकना, ये हुआ वर्ब और ब्राइटली हुआ एडवर्ब। तो इस तरीके से द सोल्जर फाइट्स ब्रेवली, ही राइट्स नीटली, द डॉग बार्क्स लाउडली। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स स्लोली, क्विकली, ब्राइटली, ब्रेवली, नीटली एंड लाउडली एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। किस वर्ब के मीनिंग में इन्होंने और एक्स्ट्रा चीज एड की है, वर्ब्स लाइक वॉक्स, रन्स, शाइन्स, फाइट्स, राइट्स एंड बार्क, दे टेल्स अस हाउ द एक्शन इज डन। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो व्हाट एडवर्ब्स विल टेल, दे टेल्स अस हाउ द एक्शन इज डन, एक्शन किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से हुआ है। जैसे वॉक वाला एक्शन कैसे हुआ है, स्लोली हुआ है। रन वाला एक्शन कैसे हुआ है, क्विकली हुआ है। शाइन्स वाला एक्शन कैसे हुआ है, ब्राइटली हुआ है। तो ये हमें किस तरीके से बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस बिलो, राम सिट्स हियर, सीता स्टैंड्स देयर, द स्काई इज अबव, द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। तो देखिए अगर यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये हमें हियर, देयर, अबव, आउटसाइड, ये वर्ड भी हमें और ज्यादा जो काम हो रहा है उसकी बारे में डिटेलिंग बताते हैं। जैसे राम सिट्स हेयर, राम कहां बैठा, यहां। सीता स्टैंड्स देयर, सीता कहां बैठी, वहां। स्काई इज अबव, स्काई कहां है, ऊपर। चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चे कहां खेल रहे हैं, बाहर। तो इनसे हमें और डिटेल्स के बारे में पता चला, ये भी एडवर्ब की ही एक टाइप है। द चिल्ड्रन सेट, अब देखिए इसी तरीके से अभी हमारे पास और भी आ रहे हैं, द चिल्ड्रन सेट इनसाइड, चिल्ड्रन कहां बैठे, अंदर। बलून वेंट अप, बलून्स कहां गए, अप। द वर्ड्स हेयर, देयर, अबव, आउटसाइड, इनसाइड एंड अप एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स, सिट, स्टैंड, इज, प्लेड, सेट एंड वेंट। तो यहां पे भी देखिए क्या हुआ, हेयर, देयर, अबव, आउटसाइड, इनसाइड एंड अप जो वर्ड्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीनिंग ऐड किया वर्ब्स में। कौन से वर्ब्स में, सिट्स, सिट्स हेयर, स्टैंड्स देयर, इज अबव, प्लेड आउटसाइड, सेट इनसाइड, वेंट अप। तो ये इन्होंने इन वर्ब्स को और एड ऑन
काम किया है इन वर्ड्स ने. तो ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब के साथ कुछ और मतलब और चीजें भी ऐड करते हैं, इनको हम एडवर्ब बोलते हैं. हिंदी में इसे क्रिया विशेषण भी कहा जाता है. दे टेल्स अस वेयर द एक्शन इज डन. अब ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि ये जो एक्शंस हुए हैं ये कहां हुए हैं, उनकी जगह बताई जा रही है. सच वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स. इन्हें भी हम एडवर्ब कहते हैं. नो डाउट अभी हम आगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम एडवर्ब के और टाइप्स भी पढ़ेंगे, तब हमें ये एडवर्ब ऑफ प्लेस इस तरीके से जब टाइप आएंगे उसमें हमें और डिटेलिंग जानने को मिलेगी. अभी हम सिर्फ एडवर्ब्स देख रहे हैं, इसलिए अभी हमें यही जानना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. रामा गोज टू स्कूल अर्ली. फादर कम्स होम लेट. अशोक केम यस्टरडे. सीता विल कम टुमारो. आई शैल रिटर्न सून. डू इट नाउ. तो अब यहां पे भी कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं हमें. द वर्ड्स लाइक अर्ली, लेट, यस्टरडे, टुमारो, सून, नाउ. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स. कौन कौन से मीनिंग में, लाइक गोज, रामा गोज अर्ली. तो गोज में कब कब जाता है, अर्ली जाता है. कब आता है फादर, कब आते हैं, कम्स लेट आते हैं. अशोक केम कब आया था, यस्टरडे आया था. सीता विल कम कब आएगी, सीता टुमारो आएगी. रिटर्न कब होगा, सून, जल्दी रिटर्न होगा. काम कब होगा, नाउ. तो समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स गोज, कम्स, केम, विल कम, शैल रिटर्न एंड डू. तो इन सब के लिए और एड ऑन जो हमारे वर्ड्स मिले हैं, अर्ली, लेट, यस्टरडे, दे टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज डन. देखिए ये क्या बता रहे हैं, एक्शन कब हुआ. ऊपर जो वर्ड्स थे हेयर, देयर, अबव, आउटसाइड, इनसाइड, इन्होंने क्या बताया, वेयर द एक्शन इज डन, एक्शन कहां हुआ. और इन्होंने क्या बताया, एक्शन कब हुआ, व्हेन द एक्शन इज डन, यानी अभी अर्ली हुआ, जल्दी हुआ, लेट हुआ, बीते हुए कल हुआ, आने वाले कल, टुमारो होगा, जल्दी होगा, या अभी चल रहा है. तो सच वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स. इन्हें भी हम एडवर्ब्स कहते हैं. ये भी एडवर्ब की और डिटेलिंग में और जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में ये चीज आएगी. लर्न वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स एंड टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर इट इज डन और व्हेन इट इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स. सो व्हाट इज एडवर्ब एग्जैक्टली, वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स. ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के अंदर और हमें मतलब एड करके बताएं. एंड टेल अस और हमें बताएं क्या, हाउ एन एक्शन इज डन, एक्शन कैसे हुआ था, वेयर इज डन, एक्शन कहां हुआ था, या व्हेन इट इज डन, एक्शन कब हुआ था. तो कैसे कैसे हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, इस तरीके के एड ऑन इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स हमें देते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं. तो किस चीज की एड ऑन इंफॉर्मेशन, वर्ब की एड ऑन इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कह रहे हैं यहाँ पे. नाउ एक एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब, चूज फ्रॉम द बॉक्सेस. द बर्ड, बर्ड्स सैंग. तो बर्ड्स ने कैसे गाया, स्वीटली, स्वीटली हो सकता है यहाँ. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. तो ओल्ड मैन कैसे चल रहा है, स्लोली. तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं. देखिए अब नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्लेड. चिल्ड्रन प्लेड, इसमें हम चिल्ड्रन प्लेड में आ सकता है हैप्पीली, ठीक है. सोल्जर्स फाउट ब्रेवली. द सन शाइन्स, सन कैसा शाइन कर रहा है, ब्राइटली. कम, कम क्या हो सकता है, हेयर, कम हेयर. गो देयर, वहां की बात हो रही है तो गो देयर हो सकता है, देयर. शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे आ सकता है इसके अंदर. तो दीज आर द वर्ड. अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब हमें इन सेंटेंसेस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है. द कार इज हेयर. तो देखिए यहां पता लग रहा है कार कहां है, हेयर. योर बुक इज
देयर, वहां है. शी डिड द वर्क यस्टरडे, तो ये यस्टरडे आ गया. ये बता रहे हैं कि उसकी प्लेस बता रहे हैं, काम कब हुआ उसके बारे में बता रहे हैं. यू केम हेयर लेट टूडे, तो यहां क्या हुआ, टूडे. द प्ले विल बिगिन नाउ, अभी चालू होगा. द सन शाइन्स ब्राइटली. शी ब्रॉट द बुक्स क्विकली, ये क्विकली हुआ. कम इन एंड सिट डाउन, तो कहां आओ, कम इन एंड सिट डाउन, तो यहां पे बताया गया डाउन. ठीक है. पिक आउट नाउन्स एडजेक्टिव्स वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट एन फॉर नाउन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव एंड एड फॉर एडवर्ब्स. अब आप अगर आप इन्हें देखिए और आप अब इन्हें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए, सारी चीजों को रिवाइज करके इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए. मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, उसके बाद हम इसको वापस से चेक करेंगे, हम इसको वापस से देखेंगे. तो आपने शायद सभी के आंसर लिख लिए होंगे. अब अपन देखते हैं इन्हें कि क्या है. हमें बेसिकली चार चीजें जो हमने पढ़ी थी, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ये चारों इन सेंटेंसेस में बताने हैं. नाउन क्या था, नाउन था नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, तो जहां पे भी नाम आएंगे वहां हम नाउन बोलेंगे. एंड वर्ब्स क्या है, वर्ब्स हैं कि जो वर्क हो रहा है, जो काम, क्रिया जो हो रही है नाउन्स के साथ, उनको वर्ब बोल रहे हैं, उसको हम वी से डिनोट करेंगे. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन्स की और विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं. इसी तरीके से एडवर्ब्स क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता वाले बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं. तो अब हमें इसी तरीके से चार चारों चीजों को, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल किया हुआ है, अ फैट मैन वॉक्स स्लोली. तो देखिए यहां पे सबसे पहले आप किसी भी चीज के नाउन के बारे में पता लगा लीजिए. तो यहां पे नाउन क्या है, मैन. अब नाउन की विशेषता क्या है, फैट है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. और नाउन क्या क्रिया कर रहा है, वॉक्स, तो ये हमारी क्रिया हो गई, वर्ब हो गया. वर्ब की और विशेषता क्या है, कैसी वॉक कैसा कर रहा है, स्लोली कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया. इस तरीके से अगर आप एक सेंटेंस में पहले नाउन निकाल लेते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर एडजेक्टिव्स, देन वर्ब एंड देन एडवर्ब, ऐसे आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. लाइक सेकंड देखते हैं हम, द ओल्ड डॉग बार्क लाउडली. तो यहां अगर हम देखें तो नाउन क्या है, डॉग, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्सन या एनिमल बोल सकते हैं हम इसको, एनिमल. तो डॉग इज अ नाउन. इसके बारे में और डिटेल क्या हो रही है, डॉग कैसा है, ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव हुआ. तो दिस इज ओल्ड इज एडजेक्टिव. ये डॉग क्या काम कर रहा है, क्रिया क्या है, यहां वर्ब क्या है, बार्क्ड, भौंक रहा है. कैसा भौंक रहा है, लाउडली, तो ये क्रिया की विशेषता आ रही है, तो दिस इज एडवर्ब. नेक्स्ट, द लिटिल चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. यहां पे नाउन क्या है, चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, चिल्ड्रन. बच्चे कैसे हैं, यानी कि इस नाउन की डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, एडजेक्टिव कौन सा है हुआ, लिटिल, बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, तो दिस इज एडजेक्टिव. वो बच्चे क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, प्लेड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दिस इज वर्ब. वर्ब की विषय, वर्ब के लिए और हम अगर चीज बताएं कि डिटेल बताएं वर्ब की, तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, हैप्पीली, तो दिस इज एडवर्ब. नेक्स्ट, द ब्लैक बर्ड sang स्वीटली. तो यहां पे नाउन क्या है, बर्ड, दिस इज नाउन. इसकी विशेषता क्या है, ब्लैक. बर्ड कैसी है, ब्लैक, तो दिस इज एडजेक्टिव. बर्ड क्या कर रही है, sang, गाना गा रही है, तो दिस इज वर्ब. वर्ब की एडवर्ब क्या है, स्वीटली, गाना कैसा गा रही है, स्वीटली गा रही है. नेक्स्ट, द यंग सोल्जर fought bravely. यहां नाउन क्या है, सोल्जर, सोल्जर इज अ नाउन. सोल्जर कैसा है, यंग है, तो दिस इज एडजेक्टिव. सोल्जर क्या कर रहा है, फॉट, लड़ाई कर रहा है, तो दिस इज वर्ब. कैसे लड़ाई कर रहा है, ब्रेवली, तो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, एडवर्ब. सिक्स्थ, गुड बॉयज वर्क हार्ड. यहां नाउन क्या है, बॉयज, बॉयज कैसे हैं, गुड, तो दिस इज एडजेक्टिव. बॉयज क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, दिस इज वर्ब.
वर्ब वर्क कैसा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज एडवर्ब. नेक्स्ट है बैड बॉयज स्पीक रूडली, यहां पे नाउन क्या है, बॉयज. बॉयज कैसे हैं, बैड, तो दिस इज एडजेक्टिव. बॉयज क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दिस इज वर्ब. एडवर्ब क्या है, रूडली बोल रहे हैं, यानी बहुत खराब बोल रहे हैं. नेक्स्ट लेजी बॉयज वर्क केयरलेसली, यहां अगेन नाउन क्या है, बॉयज. बॉयज कैसे हैं, लेजी, दिस इज एडजेक्टिव. बॉयज क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज वर्ब. वर्ब की विशेषता क्या है, केयरलेसली वर्क कर रहे हैं, दिस इज एडवर्ब. तो इस तरीके से अगर आप अपना वर्क करेंगे तो आप बहुत इजीली नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब के बारे में आप बता पाएंगे और किसी भी सेंटेंस में आप इजीली उसे निकाल पाएंगे.